एक आईएएस अधिकारी को तेल छिड़ककर मौत के घाट उतार दिया। सुनने में बहुत अजीबोगरीब घटना लगती है और ऐसा लगता है कि जब पुलिस का दलबल एक आईएएस अधिकारी को घेरे रखता है तो ऐसी घटना आखिर हो कैसी सकती है। मालेगांव के एडिशनल कलेक्टर जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे नंदगांव की तरफ, तब काफी सारे ट्रक जो तेल के टैंकर थे वो एक जगह खड़े हुए थे और वो एक ढाबे के बाहर खड़े हुए थे। तभी एडिशनल कलेक्टर को शक हुआ कि यहां पर कुछ गड़बड़ी चल रही है, तेल की चोरी चल रही है। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर हरकत में आए और उन्होंने वहां मोबाइल से ही शूट करना शुरू कर दिया और सप्लाई ऑफिसर को बुलाया कार्रवाई के लिए। जब वहां पर मौजूद लोगों को कार्रवाई का डर लगा तो वहां पोपट शिंदे नाम का शख्स पहुंचा, गर्मा गर्मी हुई, उसके बाद उसने तेल छिड़क दिया आईएएस अधिकारी के ऊपर और आग लगा दी, जिसमें कि इस आईएएस अधिकारी की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में नेशनल न्यूज बनाई। इसके साथ ही जो आईएएस एस्पायरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं, उनके मन में भी एक संशय की भावना पैदा हुई, क्या आईएएस अधिकारी की इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है कि उन्हें बचाया जा सके। और इसके साथ ही जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में तो उसमें कई बड़े चौंका देने वाले खुलासे हुए। जय हिंद दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या माजरा है। एक आईएएस अधिकारी को सीधे तौर पर सरेआम तेल छिड़क कर जला दिया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद एक लंबा मुकदमा चलता है और फिर उसके कातिलों को सजा भी मिलती है। मगर ये पूरा वाक्य आखिर हुआ कैसे, कैसे एक आईएएस अधिकारी को मौत के घाट इतनी आसानी से उतार दिया गया, ये समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी कहानी से। 25 जनवरी साल 2011 का दिन था। यशवंत सोनावणे, जो कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी थे, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तहसीलदारों से मीटिंग करने। उन्हें नंदगांव पहुंचना था और रास्ते में मनमद नाम की जगह आती है। मनमद से होते हुए यशवंत सोनावणे गुजर रहे थे, उनके पास एडिशनल कलेक्टर मालेगांव का चार्ज था और वो जा रहे थे अपनी गाड़ी में अपने स्टेनो कम पीए के साथ और साथ में ड्राइवर था। गाड़ी चल रही थी और रास्ते में एक जौनधलवाड़ी जगह आती है जहां पर पनवाड़ी नाम का एक गांव था और वहां से होकर वो गुजर रहे थे। जब वो गुजर रहे थे उन्होंने देखा एक ढाबे के पास 8 से 10 ट्रक इकट्ठे, जो ऑयल टैंकर जिन्हें हम कह देते हैं तेल के टैंकर, वो इकट्ठे खड़े हुए थे। उन्हें कुछ शक हुआ कि इतने सारे ऑयल टैंकर इकट्ठे एक ही जगह पर कैसे खड़े हुए हैं। वो गाड़ी से उतरे, गाड़ी से उतरकर वो ढाबे में पहुंचे और ढाबे में काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे ऑलरेडी। उसके बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की, इतने सारे ऑयल टैंकर इकट्ठे कैसे हैं, क्या बात हुई है। उन्होंने फौरन अपने मोबाइल से शूटिंग करनी शुरू कर दी, उन्होंने फिल्म करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें साफ तौर पर दिख रहा था कि जितने भी ऑयल टैंकर थे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो केरोसिन इस्तेमाल होता है, जो गरीब लोगों में बांटने के लिए इस्तेमाल होता है, उस केरोसिन को स्मगल किया जा रहा था। यानी जो केरोसिन गरीबों के लिए जा रहा था उसमें से केरोसिन चुराकर बेचा जा रहा था। तो वो चीज उन्होंने देख ली थी। उसके बाद उन्होंने उस चीज को अपने कैमरे में शूट करने की कोशिश की, जो वो थोड़ी देर बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर को फोन किया और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा। सप्लाई इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं, वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसकी कार्रवाई जरूर की जाएगी सर। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में वहां पर एक शख्स पहुंचता है, उसका नाम था शिंदे, जिसे कहते थे पोपट शिंदे। पोपट शिंदे वहां पहुंचता है, उसके साथ किसी बात पर कहा सुनी हो जाती है और पोपट शिंदे एडिशनल कलेक्टर को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद फिर उनके ऊपर रोड से हमला करता है और एक नुकीली चीज से हमला करता है और थोड़ी देर बाद जब उन्हें जख्मी कर देता है, जब एडिशनल कलेक्टर को जख्मी कर देता है, उसके बाद तेल छिड़क कर उन्हें मार देता है, अपने साथियों के साथ मिलकर मार देता है। ये घटना जब सामने आई तो बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, पूरे देश में एक खबर बन गई कि एक आईएएस अधिकारी को, एक ब्यूरोक्रेट को ऐसे कैसे मार दिया गया। तो ये महाराष्ट्र की घटना है और साल 2011 में ये घटना हुई थी। जिस दिन ये घटना हुई 25 जनवरी को, उस दिन एडिशनल कलेक्टर के ऊपर जब उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई, जब उनके ऊपर तेल डाला गया, तो इसी छीना झपटी में जो पोपट शिंदे था उसके ऊपर भी तेल गिर गया और वो भी काफी हद तक जल गया और जलने के बाद
कलेक्टर ने तो एडिशनल कलेक्टर ने उसी दिन दम तोड़ दिया यानी 25 जनवरी 2011 को, मगर पोपट शिंदे जो मेन एक्यूज था, जो मुख्य आरोपी था, उसने 30 नवंबर को लगभग आप कह लीजिए कि 10 महीने बाद उसी साल में दम तोड़ दिया। तो मेन एक्यूज्ड इस पूरे मामले से हट चुका था, पर यह मामले ने एक चीज साबित कर दी थी कि ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट अगर किसी गलत काम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उन्हें खतरा होता है, और उस खतरे से बचाने के लिए पुलिस भी कई जगह पर नाकाम रही है। उस दिन जिस दिन यह घटना हुई, यशवंत सोनावने के साथ पुलिस, उनका दलबल नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, इस वजह से भी कहा गया कि यह घटना को अंजाम दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो कुल मिलाकर यह घटना हुई, ये जिस इलाके में घटना हुई वहां पर तकरीबन वो एक इंटरसेक्टेड जो है वहां पर नेशनल हाईवे है, एक जगह जो है वो मालेगांव को एक हाईवे चला जाता है, दूसरा नासिक की तरफ चला जाता है, तीसरा औरंगाबाद की तरफ जाता है और चौथा नागर की तरफ जाता है। तो ये चार हाईवे हैं जो एक जगह आकर मिलते हैं, और वहां पर 300 टैंकर, साल 2011 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय 300 टैंकर तेल के रोजाना भरा करते थे। तो 300 टैंकर में से ये बड़े स्तर पर पिल्फरेज यानी कि तेल की चोरी हुआ करती थी, उस तेल की चोरी जो कि गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, गरीबों में बांटा जाना था। अब ये घटना सामने आने के बाद आम लोगों में ये सवाल खड़े होने लगे, मीडिया में भी इस तरह की सुर्खियां बनने लगी कि जब ब्यूरोक्रेट्स ही खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की रक्षा कैसे करेगी पुलिस। इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए, मीडिया में भी चर्चा बनी, मगर कुल मिलाकर इस मामले की जांच फाइनली सीबीआई को सौंप दी गई। मगर उससे पहले एक चीज बतानी जरूरी है कि शिंदे और सोनावने जो एडिशनल कलेक्टर थे और जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा था पोपट शिंदे, ये एक दूसरे को जानते थे। कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिनसे ये बात उजागर हुई। अब सोनावने ने दरअसल ये बताते हैं कि साल 2010 में उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट में 4000 लीटर केरोसिन और 3000 लीटर पेट्रोल की चोरी की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि पोपट शिंदे के ढाबे पर हुई है जो कि पनवाड़ी गांव में स्थित है, जौनधलवाड़ी में, जौनधलवाड़ी मामड में जो जगह है महाराष्ट्र में, तो वहां पर ये मनमाद में जगह है और वहां पर ये चोरी हुई है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, ये रिपोर्ट मीडिया के एक सेक्शन में भी चलाई गई। इसके बाद सोनावने ने ये रिकमेंड किया था कि पोपट शिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, एसेंशियल कमोडिटी मेंटेनेंस एक्ट यानी एस्मा उनके ऊपर लगाया जाए, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो केरोसिन है, ये जो तेल है, गरीबों में बांटा जाना था क्योंकि गरीबों के लिए ये बहुत जरूरी बहुत अहम चीज है, ये चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसी रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी। शिंदे पर आपको बता दें कि साल 2006 से 2010 के बीच 6 FIR दर्ज की गई, और ये शिंदे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो स्मगलिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुका था। तो कुल मिलाकर ये 6 FIR दर्ज की गई थी और 6 FIR में लगभग एक जैसे ही इल्जाम शिंदे पर लगे थे। अब ये पोपट शिंदे था कौन? पोपट शिंदे ने दरअसल अपना जो काम शुरू किया था वो एक बड़े गरीबी से उठकर आया था। वो रेड़ी फड़ी लगाता था बिल्कुल रोड के किनारे पर, स्नैक्स बेचा करता था। उसके बाद उसकी नजर पड़ी कि वहां पर बहुत सारे ट्रक आते हैं और ये ट्रकों में तेल भरा जाता है। उसने धीरे धीरे ट्रक वालों से दोस्ती की, फिर उनसे ये पूरा खेल समझा कि ट्रकों में जब तेल भरा जाता है उसके बाद इसको थोड़ी देर बाद चोरी भी करवा दिया जाता है। फिर वो खेल समझकर अपनी जबान जो कि बहुत मीठी थी उसके जरिए उसने ट्रक वालों से अच्छे रिलेशन मेंटेन किए। उसके बाद वो एक तरह से दलाल बन गया। सब ट्रक वाले जितने भी इस पूरी साजिश में शामिल होते थे वो उसके ढाबे पर आते, ढाबे पर आकर ट्रक में से खुद ही केरोसिन के तेल के जो बड़े बड़े डब्बे हैं, जो केन है, उनमें भरवाकर तेल चोरी करवाया जाता। इसके साथ ही बाकी का तेल पेट्रोल भी चोरी करवाया जाता और खुलेआम धड़ल्ले से ये धंधा वहां पर चल रहा था। पोपट शिंदे इस क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुका था, उसने काफी पैसा भी कमा लिया था और ट्रक वाले उन्हें बड़े स्तर पर उसे जानने लग गए थे, जिस वजह से ये धंधा खुलेआम चल रहा था और ब्यूरोक्रेट्स को भी इस बात का पता था। अब कुल मिलाकर ये जब घटना हुई, जब यशवंत सोनावने की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस भी जो है सतर्क हो गई, प्रशासन भी सतर्क हुआ, सरकार भी सतर्क हुई और लोगों के मन में भी एक भावना आ गई कि किसी भी तरह से इस भ्रष्टाचार को रोका जाए।
कोई बात नहीं, तो उसके बाद जब ये हत्या हुई तो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया 8 अप्रैल 2011 को, और लगभग लगभग 5-6 महीने बाद इस केस में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई, चार्जशीट दर्ज की गई जो कि 10 नवंबर 2011 को की गई। सीबीआई ने इस केस में चार चार्जशीट दायर की और चार चार्जशीट में जो बातें कही वो दिल दहला देने वाली और हैरान करने वाली बातें थी, क्योंकि जो अब तक मीडिया के सेक्शन में सुना जा रहा था, जो लोगों को सुनने को मिल रहा था, उससे काफी अलग बातें सीबीआई की चार्जशीट में लिखी गई थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट एक तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में रखी और दूसरी चार्जशीट रखी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, जहां पर छोटे बच्चे जो नाबालिग होते हैं उनका केस चलता है। तो ये मनमाड़ नाम की जगह है, वहां पर कोर्ट में और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये एफआईआर सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई। उसके बाद सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये कहा कि ये दोनों व्यक्ति जो एडिशनल कलेक्टर थे यशवंत सोनावने और साथ में जिसने उन्हें मारा था जो पोपट शिंदे था, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे और जो है काफी समय से एक दूसरे को जाना करते थे, और ये जो कत्ल किया गया है ये बदले की भावना से किया गया है, इसमें कोई ना कोई अल्टीरियर मोटिव पहले से ही रहा होगा, और ये दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त भी हुआ करते थे। सीबीआई ने कहा कि सोनावने पर पहले से रिश्वतखोरी के इल्जाम चल रहे थे जिनकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो, जो राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो कर रही थी, और ये एक मामला नहीं था बल्कि कई मामले चल रहे थे। अब ये जो चार्जशीट थी इसने काफी लोगों को हैरान किया कि यशवंत सोनावने जिन्हें हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो उनके खिलाफ एसीबी रिश्वतखोरी के मामले चला रही थी, वो क्या रिश्वतखोर थे, इस तरह के सवाल खड़े किए गए। तो उसके बाद चार्जशीट में और भी कई बातें कही गई। चार्जशीट में कहा गया कि ये दोनों यशवंत सोनावने और पोपट शिंदे पक्के दोस्त हुआ करते थे, पर और ये जो धंधा इनका चल रहा था जो तेल चोरी का, उसमें यशवंत सोनावने भी रिश्वत लिया करते थे और वो भी कहीं कुछ हद तक इसमें शामिल थे। पर 2009 में इन दोनों के संबंधों में खटास आ गई और लगभग लगभग बातचीत भी बंद हो गई और दोनों एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखने लगे थे। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक 2010 के अगस्त महीने में पोपट शिंदे ने सोनावने के खिलाफ एक मामला एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज करवा दिया। पोपट शिंदे ने अपनी एफआईआर में अपनी शिकायत में यह कहा कि ये यशवंत सोनावने जो कि एडिशनल कलेक्टर है, जो कि एक आईएएस अधिकारी है, ये मुझसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं मेरा एक ऑयल टैंकर छिड़वाने की एवज में। उनका एक ऑयल टैंकर पकड़ा गया था पोपट शिंदे का, जिसे छुड़वाने की एवज में कथित तौर पर जो चार्जशीट में कहा गया एडिशनल कलेक्टर की ओर से पैसे की मांग की जा रही थी, यानी रिश्वत की मांग की जा रही थी। तो कुल मिलाकर इनके संबंध इस बात को लेकर भी काफी खराब हुए, आपस में तनातनी हो गई, कहां सुनी भी हुई। और मर्डर वाले दिन क्या हुआ वो भी चार्जशीट में लिखा है। चार्जशीट में लिखा कि जिस दिन मर्डर हुआ यानी 25 जनवरी साल 2011 को, उस दिन पहले सोनावने यशवंत सोनावने ने पोपट शिंदे को फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। पोपट शिंदे ने कहा कि मेरी मां को मरे अभी 10 ही दिन हुए हैं तो मैं आ नहीं सकता, इसलिए जो है ये मुलाकात नहीं हो सकती। मगर इस बात से आईएएस अधिकारी बहुत नाराज हो गए और वो सीधे जब वो नंदगांव की तरफ तहसीलदार से मीटिंग करने जा रहे थे, तो उस दौरान मनमद नाम का इलाका जब पड़ा और वहां पर उन्होंने पोपट शिंदे का ढाबा देखा, तो सीधे वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि यहां पर तेल चोरी हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर ने अपनी कार्रवाई शुरू की, वहां पर मोबाइल से शूट करने की कोशिश की, सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया गया, उसे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। पर इस बीच पोपट शिंदे को यह जानकारी दी गई कि यहां पर एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनावने पहुंच चुके हैं, तो उसके बाद पोपट शिंदे को काफी गुस्सा आया, वो अपने बेटे और दोस्तों के साथ सीधा ढाबे पर पहुंचा और उसने आते ही सीधा पहले जो है कुछ गुस्से में तैश में आकर कुछ बातें यशवंत सोनावने को कही, आपस में गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद तेल डालकर तेल से जो है जला दिया गया यशवंत सोनावने को, जिसमें उनकी जान फौरन चली गई और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पर इस दौरान ही पोपट शिंदे के ऊपर भी काफी तेल गिर चुका था, वो भी काफी जल चुका था और उसकी मौत 30 नवंबर साल 2011 को हो गई। तो ये मामला जब अदालत में गया तो काफी लंबे समय तक अदालत में भी आर्ग्यूमेंट्स हुए और अदालत में ये बात निकल कर आई कि
एडिशनल कलेक्टर को तो मारा गया है और इसमें जो है बड़े स्तर पर एक साजिश रची गई एडिशनल कलेक्टर को मारने की, जो कि एक सही मैसेज नहीं था। एडिशनल सेशन जज मालेगांव की अदालत में ये मामला चला और उसमें राजेंद्र उर्फ राजू उनको जो है उसको उम्र कैद की सजा हुई। इसके साथ ही बाकी के दो आरोपी उन्हें भी दोषी साबित किया गया। मच्छिंद्रा पीराजी सुरदकर उर्फ कचरू ये दूसरा आरोपी था जिसे दोषी करार दिया गया। इसके साथ ही तीसरा आरोपी था अजय मगन सोनावने, इसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुल मिलाकर इन तीनों को उम्र कैद की सजा हो गई और जो मुख्य आरोपी था वो पहले ही जान गंवा चुका था। पर यशवंत सोनावने का मामला अपने आप में कोई नया मामला नहीं है। लगातार जो आईएएस एस्पायरेंट्स भी हैं उनको यशवंत सोनावने का मामला काफी समय से पता है और जो लोग आईएएस अधिकारियों और जो खास तौर पर अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए या जान गंवा बैठे उनकी लिस्ट जो है जो एस्पायरेंट्स खंगालते हैं तो उन्हें यशवंत सोनावने का नाम उसमें जरूर मिलता है। ये वीडियो पहले किसी ने भी नहीं बनाई तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को बनाया जाए और एस्पायरेंट्स के लिए और खास तौर पर वो लोग जो आईएएस अधिकारियों के उन आईएएस अधिकारियों के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई, उनके बारे में जानने के लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो कुल मिलाकर यशवंत सोनावने जो 1994 में महाराष्ट्र की स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी के तौर पर भर्ती हुए थे और 15 साल की नौकरी के बाद उन्हें आईएएस का कैडर अलॉट किया गया था। जब स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी सीनियर हो जाते हैं तो उन्हें आईएएस के कैडर में प्रमोट किया जाता है, यूपीएससी ही उन्हें आईएएस का कैडर देती है। तो उसके बाद वो आईएएस में प्रमोट हो गए थे और जिस समय ये घटना हुई उस समय वो एडिशनल कलेक्टर मालेगांव के तौर पर तैनात थे और उस समय ये घटना हुई जिसने कि देश में तहलका मचा दिया और बड़े स्तर पर हंगामा हो गया। जय हिंद।